नाम डॉक्टर प्रज्ञा ब्राह्मणकर है। मैं तपस में जनरल फिजिशियन करके आती हूँ। डेली 3 to 4 hours यहाँ रहती हूँ। तभी मैं पेशेंट का मेडिकल इलनेस के बारे में सब मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, और उसके लिए कुछ करना है अगर ट्रीटमेंट वगैरह वो मेरी ओर से किया जाता है। जब यहाँ आई तभी पहली बार मुझे डिमेंशिया क्या है उसके बारे में पता चला। उसके पहले मैंने 10 साल की प्रैक्टिस में एक भी डिमेंशिया का पेशेंट मेरे पास आया नहीं, ना ही मैंने उस पर कभी फोकस किया। जब फर्स्ट वीक में आई तो मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या है, ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे। तभी मैंने पढ़ना चालू किया, फिर डेली पढ़ के इनका ऑब्जर्वेशन करके, मैडम भी बहुत ज़्यादा इनपुट्स देते थे तो उस हिसाब से पढ़ना चालू किया। तभी पता चला कि ये सारा सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जिनको डिमेंशिया के बारे में जीरो नॉलेज है, जीरो। जैसे मेरे साथ मेरे कलीग्स अभी भी जनरल प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिमेंशिया इतना सीवियर प्रेजेंटेशन लेके आ रहा है अपने यहाँ। एक्सपीरियंस अभी तक का ऐसा है कि फैसिलिटी ढूंढते तभी है जब भी घर पे बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है। कोई भी फैमिली आपको ये नहीं बताएगी कि अभी हमसे मैनेज नहीं हो रहा है करके हम आपको दे रहे, माने मैनेज नहीं हो रहा है तो किस लेवल पे। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, जैसे अभी मेरी इलनेस पता चली है, मुझे कुछ अब्रॉड जाना है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी का डिलीवरी है, ये नहीं बताएंगे कि पेशेंट की डिमेंशिया इटसेल्फ कितना स्टेज आगे बढ़ा है, वो नहीं फोकस करेंगे। वो ऐसा बोलेंगे जैसे हमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं करके हम एडमिट कर रहे हैं, और शुरू में ऐसा नहीं बताते कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। शुरू में उनका जैसे उनको डर रहता है कि अगर हम बोलते हैं कि इतना उनका इलनेस बढ़ चुका है तो ये रखेंगे नहीं रखेंगे। मगर यहाँ आने के बाद जो मैंने देखे वो पेशेंट्स, हम पहले 3 दिन तो हमारे उनको मैनेज क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो ढूंढने में ही जाते। जैसे नहीं बताया जाता है वो सॉइलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ये बताया नहीं जाता है, सोते नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। जैसे हम मैं केस लेती हूँ आने के बाद तो वो उसमें भी हाँ कभी सोते हैं कभी नहीं सोते हैं ऐसा बताएंगे, मगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग हुआ रहता है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे वो 4 दिन से 1 मिनट भी नहीं सोए थे, और उनको बहुत हायर डोसेस ऑफ सिडेशन दे चुके थे, और यहाँ आए तो बताया नहीं वैसे कि। और यहाँ आने के बाद साइकेट्रिस्ट ने देखा, फिर उन्होंने सिर्फ सिडेटिव्स चेंज, जो पेपर पे थे वो सिडेटिव्स चेंज किए और पेशेंट एकदम ड्राउजी हो गया। तो इतना कैसे ड्राउजी हो गया, एक एक गोली चेंज करने से इतना नहीं ड्राउजी होना चाहिए। तभी फैमिली बोल रही है कि हाँ वो पहले 4 दिन सोए नहीं थे तभी इतने सारी दवाई दी चुके थे, तो ये बताया नहीं जाता है। जो क्लैरिटी है वो दी नहीं जाती है हमें। जैसे अग्रेसिव है पेशेंट नहीं बताएंगे, यहाँ आने के बाद पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। कभी कभी तो उल्टा फैमिली ऐसा भी बोल सकती, घर पे तो एकदम ठीक थे, यहाँ आके क्यों ऐसा हुआ। अगर उनको ये भी पता होता भी है, जैसे ये डिमेंशिया में जैसे प्लेस चेंज हो गया तो भी प्रेजेंटेशन बदल जाता है पेशेंट का, उनके लिए सारा न्यू एटमॉस्फेयर है, इटसेल्फ ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है। केयर गिवर्स को यहाँ आने के बाद पेशेंट जल्दी मैनेज हो जाता है, केयर गिवर्स नहीं मैनेज हो जाते। बार बार फोन, सेम थिंग, कैसे है क्या है, उनको कंटिन्यूस अपडेट चाहिए थे। तो अपडेट्स क्यों चाहिए, तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, एक तो हमने कहीं और रखा है, हम ठीक से ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं वो भी एक डर रहेगा, चिंता अपने लोग हैं तो वो भी है। दूसरी बात तो अभी मैं क्या करूं, ये चले गए 24, पहले तो 24/7 वो ही मेरा काम था, वो अभी काम नहीं है। और थर्ड इज सब मेरे सिवाय चल रहा है तो जो होल्ड चला गया, ऐसे 3 चीज तो रहती है, तो उनको काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो अभी हमने केयर गिवर्स पे भी फोकस करना ज़्यादा चालू किया है। अभी हमने ऐसा किया है कि साइकेट्रिस्ट रहेगा तभी आप पेशेंट को लेके आओ, जैसे डे ऑफ एडमिशन तभी रखते हैं क्योंकि
उसी दिन साइकियाट्रिस्ट उनसे बात कर सकता है कि पेशेंट देख के उनके सिम्टोमेटिक से कि क्या स्टेज में पेशेंट है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, क्या एक्सपेक्ट करना है आपको, और नहीं वो हुआ तो क्या है, एट द एंड क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे सिर्फ एडमिट किया, बहुत सारे लोगों को डिमेंशिया का ये भी पता नहीं है कि वो अनक्यूरेबल है, पता ही नहीं है उनको, लगता है हाँ अभी यहाँ रखा है डॉक्टर देख रहे हैं, और नहीं वो तो ठीक होके 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, घर लेके जाएंगे, अगर ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जैसे हम मैनेजेबल है या नहीं मैनेजेबल है उतना ही देखना है हमें। और केयर गिवर्स को बाद में जैसे अपडेट्स, डेली अपडेट देना, उनसे वीडियो कॉलिंग चालू रखना, रियल में पेशेंट ठीक है, यहाँ सब अच्छे से चल रहा है उनका, और वो आपको याद कर रहे हैं, वो भी पता होना चाहिए। जैसे हाँ अभी मेरे सिवाय नहीं हो रहा है, ये फीलिंग नहीं अच्छा लगता ना उनको, तो नहीं आपकी भी जरूरत लग रही है उनको, मगर हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा काउंसलिंग उस हिसाब से होता है। और पहले किसी किसी का प्रोलॉन्ग होता है, मगर बहुत सारे फैमिलीज 15 डेज में सेटल हो जाती है। हो सकता है, मगर मैं जैसे बोली ना, फैसिलिटीज में जब भी पेशेंट आने का डिसीजन होता है ना, तभी डिमेंशिया बहुत आगे बढ़ चुका रहता है। जैसे तब उनको ये भी पता नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये सामने जो बैठे हैं वो डॉक्टर हैं, उनको सिर्फ जो इमीडिएट केयर गिवर है उसके बारे में पता रहता है, तो उससे टूटने का तो वो जो जैसे फीलिंग है लेफ्ट आउट वगैरह वो आता है पेशेंट को, मगर उसको पैम्पर करके उसको सेटल करने का ये यहाँ अपने अटेंडेंस सब करते हैं, अटेंडेंस बोलो काउंसलर्स ये सब करते हैं, एक हाथ दूसरे पेशेंट में उससे हो सकता है ऐसा, मगर अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है 1-2 दिन में, जैसे अभी लास्ट 15 डेज बैक एक एडमिशन है, वो औरत बहुत रोती थी क्योंकि उसको सब पता है, उसको ये पता नहीं है, गांव से है उसको, ये डिमेंशिया वगैरह कुछ पता नहीं है, मगर कुछ तो गलत चल रहा है अंदर, वो पता चला, तो उसके लिए उसको यहाँ रखा है, तो उस हर 2 दिन में उसको बेटे की याद आना, रोना, तो फिर उसको वीडियो कॉल वगैरह दिया। तो अभी डेली में उसने ही मुझे बोला कि आप आने के बाद एक बार मुझे हग करो सिर्फ, तो जैसे मेरे से अच्छा कनेक्शन हो गया उनका, तो मैं आने के बाद डेली उनको हाँ, तो वो बोलती हाँ आता मला छान वाटते, हाँ असं मला जवळ घ्या कुणीतरी, म्हणजे मी इथे राहील छान, बस एवढंच फीलिंग है, म्हणजे ये फीलिंग ये बहुत ज्यादा मायने रखते। तो ये उनको ये जो कंफर्ट फीलिंग आने के लिए थोड़ा हमें आउट ऑफ वे जाके उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में तो 100% पता रहना चाहिए, जैसे डिमेंशिया का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है अगर अवेयरनेस जितना जल्दी है पेशेंट में, मगर पेशेंट को पता रहना चाहिए, उस हिसाब से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे सिर्फ मेमोरी इशू है तो जैसे कुछ रिमाइंडर्स लगाओ, ये लगाओ, वो खुद उस पर कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जितना हो सके उतना, मतलब पेशेंट अगर समझ सकता है तो बताना ही चाहिए।